ये बात तो आप हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई और उम्मीद के मुताबिक ये सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं गई। भारत पहला वनडे मुकाबला जीतने के बावजूद भी आने वाले 2 मुकाबलों को ऐसे हारता है जैसे ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया बिखर जाती है, ऐसे गवाती है जैसे हाथ से साबुन फिसला हो। और दोनों मुकाबले जीते हुए मुकाबले थे और अंतिम और निर्णायक मुकाबला तो उसे महामुकाबला कहा। एक्सपर्ट्स ने इसे वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला भी घोषित कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम आपको वर्ल्ड कप के बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली है, इस पे कोई दोहराए नहीं है। तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तक भी इस मुकाबले को कहा जाने लगा। लेकिन एन मौके पर और इस डिसाइडर मुकाबले पर टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि हर बार उसे हार मिलती है, और कप्तान रोहित शर्मा आखिर ऐसे खराब फैसले क्यों लेते हैं जिसकी वजह से उनकी टीम बीच मझधार में फंस जाती है। ना तो उनके पास अच्छे डिसीजन थे और इस मुकाबले में रोहित शर्मा के वो 3 फैसले जहां भारत ये मुकाबला वहीं पर हार गया, और रोहित के ये 3 खराब फैसलों की वजह से ऑस्ट्रेलिया भारत को घर में घुसकर हराती है। 2019 के बाद कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई भी टीम भारत को किसी भी सीरीज में हराने में कामयाब नहीं रही तीनों ही फॉर्मेट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब वक्कर दिखा रही है। लेकिन इन सब के बीच में भारत आखिरी मुकाबला किन 3 खराब फैसलों की वजह से हारा, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताइएगा कि आपको भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है। लेकिन चलिए जानते हैं उन 3 फैसलों के बारे में जहां टीम इंडिया अपने हाथ से साबुन की बट्टी की तरह मैच को फिसला देता है और कप्तान रोहित शर्मा के 3 फैसले हर किसी की समझ से परे दिखाई दे रहे थे। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस मुकाबले की ऊपर एक छोटी सी नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बल्लेबाजी रही, जी हां, टॉप ऑर्डर से लेकर बॉलर्स तक ने अच्छी बैटिंग करी। 49 ओवर ही खेले लेकिन 269 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। एक भी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं लगाया, पूरी तरह से टीम एफर्ट था। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो सर्वाधिक विकेट हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने लिए। पांड्या की अच्छी गेंदबाजी रही थी, लग रहा था कि 269 रन का टारगेट भारत के लिए बड़ा नहीं होगा क्योंकि भारत की बैटिंग में गहराई है। और जब भारत को 65 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाती है और वो भी बहुत ही कम बॉल्स के अंदर, तो भारत की जीत तय हो गई थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इस फॉर्मेट को T20 बनाना चाहते थे। लगातार विस्फोटक शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल डटे रहे। 49 बॉल पर 37 रन की पारी खेलकर वो भी अपना विकेट 77 रन पर गवा देते हैं। लेकिन केएल राहुल और विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश करी। विराट ने 54 रन की पारी खेली, केएल राहुल 32 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल को पहले भेज दिया गया और हार्दिक पांड्या 40 बॉल पर 40 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाता है। 50वां ओवर की पहली गेंद पर ये ऑल आउट हो जाते हैं और भारत इस मुकाबले को हारता है, जी हां, 21 रन के मार्जिन से। तो वो कौन से 3 फैसले थे, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा फैसला कि आपने अक्षर पटेल और भारत की बैटिंग लाइनअप के साथ में क्या किया। हर किसी को समझ से ये परे था कि आखिर केएल राहुल को सूर्यकुमार यादव से पहले क्यों बैटिंग कराई गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब केएल राहुल आउट हो जाते हैं तो सूर्या नहीं बल्कि अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं, जो अक्षर 9th पोजीशन पर करते हैं। ना तो उनका रनिंग में तालमेल देखने को मिला और ना ही बल्लेबाजी से कोई योगदान। और उसके बाद तो हद तक पार होती है जब हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन सूर्या नहीं, सूर्या को भेजा गया सीधे 7वें-8वें पायदान पर, जो कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। क्योंकि एक खिलाड़ी जो पहले 2 मुकाबलों में गोल्डन डक का शिकार हुआ, उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस इस लेवल तक गिराया गया कि वो मुकाबला कहीं ना कहीं वो सूर्या वहीं पर हार गए थे। लेकिन सूर्या भी वहीं पर ऐसा करते हैं कि आते ही एक बार फिर गोल्डन डक, तीनों ही मुकाबलों में गोल्डन डक का शिकार होते हैं सूर्या। और सूर्या को डिक्रीज करना, इतना ही खराब थे तो आपने प्लेइंग 11 से बाहर क्यों नहीं फेंका, और आप अंदर रखकर भी उस खिलाड़ी पर भरोसा नहीं जताते हैं एज अ कैप्टन, तो फिर ये आपकी कप्तानी पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा। और यही फैसला, पहला फैसला, भारत की हार साबित करता है। दूसरा बड़ा फैसला, कप्तान रोहित शर्मा की अच्छी कप्तानी न करना। जी हाँ, प्लेइंग 11 डिसाइडरी मुकाबला तो था, क्योंकि प्लेइंग 11 आपको बेस्ट टू बेस्ट लगानी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शार्दुल ठाकुर को शामिल नहीं किया गया, सूर्या को जो गोल्डन डक का शिकार होते, आउट ऑफ फॉर्म थे, आपका उन पर भरोसा नहीं था, तो फिर आपने उन्हें क्यों शामिल किया। उनकी जगह पर ईशान किशन को शामिल क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवालों के निशाने पर थे। प्लेइंग 11 पर सवाल उठे और ये दूसरा बड़ा गलत फैसला उनकी प्लेइंग 11 का रहा है।
तीसरा बड़ा कारण हम इसमें हम मानते ये भी हैं कि हार्दिक पांड्या और बाकी खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर में आते हैं, कप्तान रोहित शर्मा 17 बॉल पर 30 रन बनाते हैं, तो क्या आप इस पारी को बड़ी पारी नहीं खेल सकते? आपने दोनों ही मुकाबलों में मैच में अच्छा स्टार्ट तो किया लेकिन पारी को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। एज अ कैप्टन ओपनर के तौर पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर छोड़ेंगे और बीच में इस तरह के प्लेइंग 11 बदलाव करेंगे तो भारत की हार तो तय होगी ही। गेंदबाजी लाइनअप भी खराब ही रही भारत की आज, वो तो हार्दिक पांड्या ने विकेट चटकाए जिसकी वजह से कुलदीप यादव को मौका मिला विकेट चटकाने का। कुल मिलाकर भारत की हार के बड़े फैसले, एज अ कैप्टन देखा जाए तो रोहित का पहले बल्लेबाजी में खराब करना, उसके बाद कुछ फैसले ऐसे लेना जो भारत की हार का कारण बना, और उसके बाद प्लेइंग 11 का सही चुनाव न करना, हमारी राय में ये तीन बड़े फैसले भारत की हार के कारण बने हैं। आपकी क्या राय?